<laughs> तो तुम्हारा जो अपना सियासी शूर था उससे पहले भी बंद रहा होगा मुझे हम जी तुम्हारे जहन में क्या बात उठी कि किस किस्म की सियासत होनी चाहिए जो कि तुम करना चाहती थी जो मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मैं आपको सच्ची यानी कि वो क्या काम था जो तुम कर सक करना चाहती थी जो पहले नहीं हुआ था यू you नो know, जब बाबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए हम सबका मानना था कि ये एक जो तहरीक चली है ये जो एक जमात है ये एक नई जमात है ये नौजवान की जमात है हम तब भी कहते थे और आज हमने साबित करके दिखाया जिस तरह नौजवानों ने हमारा साथ दिया है और ये अब भारी मैंडेट तहरीक को दिया है डाका डला है उस मैंडेट पर मगर आवाम ने दिया है ये एक नौजवान नस्ल की जमात थी ये एक नई सियासत

खान साहब के जमाने में पहले भी और वो बिल्कुल ठीक है लेकिन तुम कह रही हो ना नई जमात थी नई सोच थी तो गलतियाँ तो, हुई तो गलतियां गलतियां हुई।, हुई मुझे थी? तो नई सोच के हामिल नहीं लगे क्योंकि जिस तरह उन्होंने प्रेस पे क्रैकडाउन किया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को उन्होंने नहीं माना कई हमारे सहाफी दोस्त हमारे साथ खुद ये हुई खुदा ऐसे होता रहा है हाँ हमें नहीं करना चाहिए था और मैं तब भी इसकी हामी नहीं थी हालांकि मेरा जमात में कोई वजूद नहीं था मगर एक इंडिविजुअल लेवल पे मैं हमेशा कहती थी देखें और आज भी मैं कहती हूं द डेज ऑफ सेंसरशिप आर ओवर ये सोशल मीडिया oh, का नो नो no, no, no. आप, oh, no, आप 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 कर सकते हैं मगर सच्चाई को नहीं रोक सकते ना आप लोगों Haan, की वो सोच बात को बंद नहीं कर सकते वो बात ठीक है. आप सेंसरशिप लगाते हैं आप मेन स्ट्रीम मीडिया को बंद कर सकते हैं उनपे कदखन लगा सकते हैं उनपे लिमिटेशन लगा सकते हैं मगर बात तो होगी और आज बात सिर्फ घरों में नहीं होती अब बात होती है तो सोशल मीडिया पे होती है और वो दूर तक जाती है क्यों मुझे डर लगता है कि अगर खान साहब वापस इकतदार में आए तो वो शायद पिछली दफा से नहीं ज्यादा पता है हमने बहुत करेंगे आई डोंट थिंक सो so. उससे उस ज्यादा सहाफियों पे जुलमों से तम होगा आई डोंट डोंक जिसका पहले होता रहा है अच्छा यू रियली थिंक सो बिल्कुल आई डी क्या बदला है महर आई विल टेल यू बहुत कुछ बदला है हमारी जमात भी बदल गई है शायद तब वो नाबालिख थी अब बड़ी हो गई है देखिए हम बड़े जैसे लोग कहते हैं ना आग के दरिया से हम तो आग में से निकले हैं और अब हम कुंदन बन के निकले हैं कई बार इस मुल्क में बार बार लोगों ने मजलूम को वोट दिया है फातिमा जिना को लोगों ने वोट दिया उस वोट पे भी डाका डला जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को भी वोट मिला क्योंकि उन्होंने एक नई सोच लोगों को दी बीबी को वोट और उसके बाद अब तस्लीम हुआ है कि उनका जो कत्ल था बिल्कुल वो बिल्कुल नाजायज और बिल्कुल, बिल्कुल उसको कंडेम किया जा रहा है हर तरफ हाँ रियाती सतह पे किया जा रहा है लोग तो हमेशा करते लोग थे। तो हमेशा करते रहे लेकिन फाइनली रियासत ने भी इस चीज़ को एक्नोलेज किया कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए था बीबी -बी के भी मैंडेट के ऊपर क्योंकि उनके वो भी स्ट्रगल उन्होंने बहुत की उन्होंने एक नई पार्टी बनाई अपने वालद के कत्ल के बाद तो अपने वालद की शहादत के बाद तो बीबी बीबी के भी वोट पे कई बार दा। लोगों ने समा और पार्टी भी सीख गई है और बदल गई हैं कैसे इस चीज पे मैं यकीन कर लू कि तहरीक इंसाफ भी बदल गई है देखिए दूसरी तरफ जितनी भी जमाते हैं उनको तीन तीन बार मौका मिला ये उनको चौथी दफा मौका मिला और लग तो यही रहा है कि उन्होंने हर मौके से कुछ नहीं सीखा वही की वही गलतियाँ दोहरा रहे हैं वही सियासत वही तर्ज अमल आ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नई जमात थी एक दफ़ा आई अकतदार में सिर्फ एक दफ़ा तीन साल के लिए वफाक में अकतदार में आई ठीक है कुछ गलतियाँ हुई मगर आज जमात भी बहुत बदली बदली है बहुत से वो लोग हैं जो इस जमात में जिन्हें हॉक्स समझा जाता था जो दे वो द फर्स्ट टू अबैंडन शिप वो आज हमारी सफों में वो नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और हो खान साहब कहते हैं कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी जमात साफ हो गई एक वैक्यूम पैदा हो और उस वैक्यूम को अब अगर आप आग देखें तो नौजवान और पढ़े लिखे लोगों ने भरा है बहुत से वकला हैं, सलमान अक्रम राजा साहब आट ऑफ वॉयस सलमान अकरम राजा के अलावा मैं तो आप वकला बता सकती वक़ला हैं है, लेकिन वकला के अलावा और कौन लोग हैं सलमान अकरम राजा के अलावा जो दानश्वर हैं या जो पुराने एक नौजवान बलूचिस्तान से सद्दाम तरीन एक एक बहुत ही लॉट ऑफ अ लॉट ऑफ पैशन एक uh, बलवनी के साथ और एक यंग पैशन लेकर वो आए हैं um, वो है केपी में आपके तैमूर झगड़ा साहब है एजुकेटेड मैन यू नो फाइनेंस बैकग्राउंड उन्हें भी अच्छा मैं जिन जिन के नाम ले रही हूँ हम सारे वो लोग हैं जिन्हें पार्लियमान से बाहर रखा गया है हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर पे दम, दम निकले <laughs> देखो जब जमीनी हकायक नहीं बदलेंगे जब तक जमीनी जमीनी हकायक बदल रहे हैं ना आपने देखा का... लोगों को इस तरह अपने वोट के लिए लड़ते मैंने तो नहीं देखा वोट को लिए लड़ते हैं। मैंने वोट डालते देखा है लोगों को लेकिन लड़े नहीं आज लड़े लड़ते हैं। नहीं आज देखा। अपने मैंडेट के लिए लड़े और हाँ कौन लड़ रहा है हम क्यों नहीं पीछे हट रहे मेहर कौन लड़ रहा है कौन लड़ रहा है पाकिस्तान की आवाम खड़ी है कहा हल्के में बात कर रहे हैं बात कर रहे नहीं हर जगह बात हो रही है हम हमें कहा जाता है ये जलाओ घेराओ वाले लोग हालांकि ना तब हमने जलाओ घेराओ कभी किया ना आज हम कभी करेंगे हम पुरन गांधी पीसफुल प्रोटेस्ट मोड जो कि इस बड़े शहिर में बहुत ज़्यादा फ़रोग पाया जिसने और जिसकी वजह से आज़ादी भी हासिल हुई इस खत्े को तो पीसफुल प्रोटेस्ट भी तो हो सकती तो पीसफुल प्रोटेस्ट हो रही है ना जी हमारे तो लोग घरों से निकलना निकलने लगते हैं तो उनके घर पे छापा हो जाता है उनको लोग, पता चल जाता है कि ये सोच रहे हैं उसके बावजूद लोग डटे रहे और लोगों ने चुन चुन के चुन, -चुन निशानात पे किसी को नहीं गाजर था? मूली चुल्ला चिमटा चिमटा तुम्हारा तो निशान चिमटा था और जैन का निशान जू... जूते जूते सिर्फ एक बाहिर बंदा है पूरे पाकिस्तान में जूते का निशान दिया गया तजहीक करने के लिए, और वो के लिए। गया। तो लोगों ने कहा मखदुमा दी जूती है होसी जूती पर है तो मखदुमा दी <laughs> या हल्के में तो मेहर जिया जिया जी आप बुलंदियाँ अच्छा माशाला और पूरी फरावानी से बोलती हो काफी हद तक अच्छा

तीतर आधा बटेर हो जाता है तो फिर एक ही है तो ननहाल तो हवेली भा, खाना से है जी तो उनकी तो अंदरून शहर की पंजाबी है क्या वो मजेदार जबान है मेरी नानी बहुत अच्छी पंजाबी know, थी। तो वो तुम भी जानती हो उस, उस जबान को सिर्फ समझ आता है ना वैसे मजेदार जबान बदतमीज तो ने